हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगर आप रात को त्रिफला का सेवन करते हैं तो आप अपने पेट की चर्बी को घटा सकते हैं। दोस्तों, वजन को कम करने के लिए आज हम आपको कुछ शानदार आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बढ़ा हुआ वजन आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। खासतौर पर यह समस्या शहरों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है, जहां पर हर चौथा इंसान मोटापे की चपेट में आ गया है और मोटापे की समस्या का सामना करते करते उसे बहुत सारी बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आमतौर पर बहुत से लोगों का वजन बढ़ना एक समस्या नहीं बल्कि उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस की वजह से हुआ है कि वो ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उनके पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में दोस्तों, वजन को कम करने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे तरीके लेके आए हैं जिससे कि आप अपने वजन को बहुत ही जल्दी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हम आपको कुछ बताएंगे जिससे कि आप अपने लाइफ स्टाइल का ध्यान रखेंगे। और आपको रोज़ाना 20 से 30 मिनट योगासन करना है, इससे भी दोस्तों आप अपने वजन को कम करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि आपके वजन को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे। सबसे पहला तरीका है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सर्दियों के मौसम में गुनगुना पानी पीना काफ़ी अच्छा रहता है। दिन भर में आप 2 से 3 लीटर गुनगुने पानी का सेवन करें। दोस्तों, गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहता है और वजन कम करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहती है, यानी कि जो आपके पेट पर जमी हुई वसा होती है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका होता है त्रिफला का इस्तेमाल करना। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, रात के समय में अगर आप 1 चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका वजन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ आपका पाचन तंत्र भी अच्छा बना रहता है। यह आपके 10 से 20 किलो वजन को 1 महीने के अंदर पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। यह सबसे अच्छा उपाय है, आप इस उपाय को ज़रूर करें। तीसरा उपाय है खाली पेट नींबू पानी का इस्तेमाल करना। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना के तौर पर सुबह सुबह नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं या फिर आप थोड़ी बहुत हल्दी भी मिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है, यह भी एक शानदार उपाय है। चौथा उपाय है, आपको अपने नाश्ते के अंदर लौकी के जूस का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, लौकी का जूस पीना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लौकी का जूस नहीं पीना चाहते हैं तो लौकी की सब्ज़ी खाएं या फिर आप सूप भी पी सकते हैं, इससे भी आपका वजन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको लास्ट उपाय बताता हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा शानदार उपाय है। इसमें आपको अदरक नींबू की चाय का इस्तेमाल करना है, यानी कि जब आप अपनी चाय बनवाएं तो इसके अंदर आप अदरक और थोड़ा सा नींबू का रस मिलवा लें, क्योंकि अदरक के अंदर ऐसे एजेंट पाए जाते हैं जो कि फैट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और नींबू का इस्तेमाल भी वजन को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज मैंने आपको 5 उपाय बताए हैं। इन 5 उपायों में से आप किन्हीं 1 या 2 उपायों को करके अपने वजन को कम कर सकते हैं और आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।